नमस्कार, मातृभारती पे आप सुन रहे हैं सादत हसन मंटो की बदनाम कहानियां। कहानी का शीर्षक है फूजा हरामदा। टी हाउस में हरामियों की बातें शुरू हुई तो ये सिलसिला बहुत देर तक जारी रहा। हर एक ने कम अज कम एक हरामी के मुतालिक अपने तस्सुरात बयान किए जिससे उसको अपनी जिंदगी में वास्ता पड़ चुका था। कोई जालंधर का था, कोई लुधियाने का और कोई लाहौर का था, मगर सबके सब स्कूल या कॉलेज की जिंदगी के मुतालिक थे। महर फिरोज साहब सबसे आखिर में बोले, अमृतसर में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो फौजे हरामदे के नाम से ना वाकिफ हो। यूं तो इस शहर में और भी कई हरामजादे थे, मगर इसके पल्ले के नहीं थे। वो नंबर एक का हरामजादा था। स्कूल में उसने तमाम मास्टरों का नाक में दम कर रखा था। हेडमास्टर, जिसको देखते ही बड़े बड़े शैतान लड़कों का पेशाब खता हो जाता, फौजे से बहुत घबराता था, इसलिए कि उस पर उनके मशहूर बेद का कोई असर नहीं होता था। यही वजह है कि तंग आकर उन्होंने उसको मारना छोड़ दिया था। ये दसवीं जमात की बात है। एक दिन यार लोगों ने उससे कहा, देखो फौजे, अगर तुम कपड़े उतार कर नंग धड़ंग स्कूल का एक चक्कर लगाओ तो हम तुम्हें एक रुपया देंगे। फौजे ने रुपया लेकर कान में अड़सा, कपड़े उतार कर बस्ते में बांधे और सबके सामने चलना शुरू कर दिया। जिस क्लास से पास से गुजरता वो जाफरान जार बन जाता। चलते चलते वो हेडमास्टर साहब के दफ्तर के पास पहुंच गया, पत्ती उठाई और गड़ाप से अंदर। मालूम नहीं क्या हुआ, हेडमास्टर साहब सख्त बौखलाए हुए बाहर निकले और चपड़ासी को बुलाकर उससे कहा, जाओ भाग के जाओ फौजे हिरामदे के घर, वहां से कपड़े लाओ उसके लिए। कहता है, मैं मस्जिद के सकावे में नहा रहा था कि मेरे कपड़े कोई चोर उठाकर ले गया। दिनियात के मास्टर मौलवी पोटेटो थे। मालूम नहीं उन्हें पोटेटो किस रियायत से कहते थे, क्योंकि आलूओं की तो कोई दाढ़ी नहीं होती। उनसे फौजा जरा दबता था। मगर एक दिन ऐसा आया कि अंजुमन के मेंबरों के सामने मौलवी साहब ने गलती से उससे एक आयत का तर्जुमा पूछ लिया। चाहिए तो यह था कि खामोश रहता, मगर फौजा हरामदा कैसे पहचाना जाता। जो मुंह में आया ओल जजुल बक दिया। मौलवी पोटेटो के पसीने छूट गए। मेंबर बाहर निकले तो उन्होंने गुस्सा में थर थर कांपते हुए अपना असा उठाया और फौजे को दो चार चोर की मार दी कि बिल बिला उठा, मगर बड़े अदब से कहता रहा, मौलवी साहब मेरा कुसूर नहीं, मुझे कलीमा ठीक से नहीं आता और आपने एक पूरी आयत का मतलब पूछ लिया। मारने से भी मौलवी पोटेटो साहब का जी हल्का न हुआ। चुनांचे वो फौजे के बाप के पास गए और उससे शिकायत की। फौजे के बाप ने उसकी सब बातें सुनी और बड़े रहमनाक लहजे में कहा, मौलवी साहब, मैं खुद इससे आजीज आ गया हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि इसकी इस्लाह कैसे हो सकती है। अभी कल की बात है, मैं पाखाने गया तो उसने बाहर से कुंडी चढ़ा दी। मैं बहुत गरजा, बेशुमार गालियां दी, मगर उसने कहा, अठन्नी देने का वादा करते हो तो दरवाजा खुलेगा और देखो, अगर वादा करके फिर गए तो दूसरी मर्तबा कुंडी में ताला भी होगा। नाचार अठन्नी देनी पड़ी। अब बताइए, मैं ऐसे नापकार लड़के का क्या करूं। अल्लाह ही बेहतर जानता था कि इसका क्या होगा। पढ़ता वढ़ता खाक भी नहीं था। एंट्रेंस के इम्तिहान हुए तो सबको यकीन था कि बुरी तरह फेल होगा, मगर नतीजा निकला तो स्कूल में उसके सबसे ज्यादा नंबर थे। वो चाहता था कि कॉलेज में दाखिल हो, मगर बाप की ख्वाहिश थी कि कोई हुनर सीखे। चुनांचे ये नतीजा निकला कि वो दो बरस तक आवारा फिरता रहा। इस दौरान उसने जो हराम जगदियां की, तंग आकर उसके बाप ने बिल आखिर उसे कॉलेज में दाखिल करवा दिया। पहले दिन ही उसने ये शरारत की कि मैथमेटिक्स के प्रोफेसर की साइकिल उठाकर दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पर लटका दी। सब हैरान कि साइकिल वहां पहुंची क्यों कर।
मगर वो लड़के जो स्कूल में फौदे के साथ पढ़ चुके थे अच्छी तरह जानते थे कि ये कारिस्तानी उसके सिवा किसी की हो ही नहीं सकती। चुनांचे इस एक शरारत ही से उसका पूरे कॉलेज से तारुफ हो गया। स्कूल में उसकी सरगर्मियों का मैदान महदूद था, मगर कॉलेज में ये बहुत वसी हो गया। पढ़ाई में, खेलों में, मुशायरों में और मुबाहिसों में हर जगह फौजे का नाम रोशन था, और थोड़ी देर में इतना रोशन हुआ कि शहर में उसके गंडपने की धाक बैठ गई। बड़े बड़े जगादारी बदमाशों के कान काटने लगा। नाटाकद मगर बदन कस्तरी था, उसकी भेड़ और टक्कर बहुत मशहूर थी। ऐसे जोर से अपने मद्दे मुकाबिल के सीने में या पेट में अपने सर टक्कर मारता कि उसके सारे वजूद में जलजलासा आ जाता। एफए के दूसरे साल में उसने तफरीन प्रिंसिपल की नई मोटर के पेट्रोल टैंक में 4 आने की शक्कर डाल दी, जिसने कार्बन बनकर सारे इंजन को गारत कर दिया। प्रिंसिपल को किसी ना किसी तरीके से मालूम हो गया कि यह खतरनाक शरारत फौजे की है, मगर हैरत है कि उन्होंने उसको माफ कर दिया। बाद में मालूम हुआ कि फौजे को उनके बहुत से राज मालूम थे। वैसे वो कसमें खाता कि उसने उनको धमकी वगैरह बिल्कुल नहीं दी थी कि उन्हें सजा दी तो वो उन्हें फाश कर देगा। ये वो जमाना था जब कांग्रेस का बहुत जोर था, अंग्रेजों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जलसे होते थे। हुकूमत का तख्ता उलटने की कई नाकाम साजिशें हो चुकी थी, गिरफ्तारियों की भरमार थी, सब जेल बागियों से पुर थे, आए दिन रेल की पटड़ियां उखाड़ी जाती थी, खतों के बपकों में आतशगीर मादा डाला जाता था, बम बनाए जा रहे थे, पिस्तौल बरामद हो रहे थे, गर्ज की एक हंगामा बरपा था, और इसमें स्कूल और कॉलेजों के तालिबे इल्म भी शामिल थे। फौजा सियासी आदमी बिल्कुल नहीं था, मेरा ख्याल है उसको ये भी मालूम नहीं था कि महात्मा गांधी कौन है। लेकिन जब अचानक एक रोज उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, और वो भी एक साजिश के सिलसिले में, तो सबको बड़ी हैरत हुई। इससे पहले कई साजिशें पकड़ी जा चुकी थी। सैंडर्स के कत्ल के सिलसिले में भगत सिंह और दत्त को फांसी भी हो चुकी थी, इसलिए ये नया मामला भी कुछ संगीन ही मालूम होता था। मुख्तलिफ कॉलेजों के लड़कों ने मिलकर एक खुफिया जमात बना ली थी, जिसका मकसद मुल्क मुअज्जम की सल्तनत का तख्ता उलटना था। इनमें से कुछ लड़कों ने कॉलेज की लेबोरेटरी से पकरक एसिड चुराया था, जो बम बनाने के काम आता है। फौजे के बारे में शुबा था कि वो इनका सरगाना था और उसको तमाम खुफिया बातों का इल्म था। उसके साथ कॉलेज के 2 और लड़के भी पकड़े गए थे। इनमें एक मशहूर बैरिस्टर का लड़का था और दूसरा रईस ज्यादा। इनका डॉक्टरी मुआयना करवाया गया था, इसलिए पुलिस की मारपीट से बच गए। मगर शामत गरीब फौजे हिरमादे पर आई। थाने में उसको उल्टा लटकाकर पीटा गया, बर्फ की सीलों पर खड़ा किया गया। गर्स की हर किस्म की जिस्मानी अजियत उसे पहुंचाई गई कि रात की बातें उगल दे, मगर वो भी एक कुत्ते की हड्डी था, टस से मस न हुआ, बल्कि यहां भी कमबख्त अपनी शरारतों से बाज न आया। एक मर्तबा जब वो मार बर्दाश्त न कर सका तो उसने थानेदार से हाथ रोक लेने की दरख्वास्त की और वादा किया कि वो सब कुछ बता देगा। बिल्कुल निडाल था, इसके लिए उसने गर्म गर्म दूध और जलेबियां मांगे। तबीयत कदरे बहाल हुई तो थानेदार ने कागज कलम संभाला और उससे कहा, लो भाई बताओ। फौजे ने अपने मार खाए हुए आजा का जयाजा अंगड़ाई लेकर किया और जवाब दिया, अब क्या बताऊं, ताकत आ गई है, चढ़ा लो फिर मुझे अपनी टिकटिकी पर। ऐसे और कई किस्से हैं जो मुझे याद नहीं रहे, मगर वो बहुत पुरलभ थे। मलिक हफीज हमारा हम जमात था, उसकी जबान से आप सुनते तो और ही मजा आता। एक दिन पुलिस के 2 सिपाही फौजे को अदालत में पेश करने के लिए ले जा रहे थे। जिला कचहरी में उसकी नजर मलिक हफीज पर पड़ी, जो मालूम नहीं किसी काम से वहां आया था। उसको देखते ही वो पुकारा, अस्सलामुअलैकुम मलिक साहब। मलिक साहब चौंके, फौजा हथकड़ियों में उनके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। मलिक साहब बहुत उदास हो गया हूं, जी चाहता है आप भी आ जाए मेरे पास, बस मेरा नाम देना काफी है।
मलिक हफीज ने जब यह सुना तो उसकी रूह कब्ज हो गई। फौजे ने उसको ढारस दी, घबराओ नहीं मलिक, मैं तो मजाक कर रहा हूं, वैसे मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। अब आप ही बताइए कि वो किस लायक था। मलिक हफीज घबरा रहा था, कन्नी कतरा के भागने ही वाला था कि फौजे ने कहा, भाई और तो हमसे कुछ नहीं हो सकता, कहो तो तुम्हारे बदबूदार कुएं की गार निकलवा दे। मलिक हफीज ही आपको बता सकता है कि फौजे को उस कुएं से कितनी नफरत थी। उसके पानी से ऐसी बसनाद आती थी जैसे मरे हुए चूहे से। मालूम नहीं लोग उसे साफ क्यों नहीं कराते थे। एक हफ्ते के बाद, जैसे कि मलिक हफीज का बयान है, वो बाहर नहाने के लिए निकला तो क्या देखता है कि दो तीन टूबे कुएं की गंदगी निकालने में मसरूफ है। बहुत हैरान हुआ कि माजरा क्या है, उन्हें बुलाया किसने है। पड़ोसियों का यह ख्याल था कि बड़े मालिक साहब को बैठे बैठे ख्याल आ गया होगा कि चलो कुएं की सफाई हो जाए, ये लोग भी क्या याद रखेंगे। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि छोटे मालिक को इसके बारे में कुछ इल्म नहीं और ये कि बड़े तो शिकार पर गए हुए हैं, तो उन्हें हैरत हुई। पुलिस के बेवर्दी सिपाही देखे तो मालूम हुआ कि फौजे हीरामदे की निशानदेही पर वो कुएं में से बम निकाल रहे हैं। बहुत देर तक गंदगी निकलती रही, पानी साफ शफाफ हो गया, मगर बम क्या, एक छोटा सा पटाखा भी बरामद न होगा। पुलिस बहुत बन्नाई, चुनांचे फौजे से बातचीत हुई। उसने मुस्कुराकर थानेदार से कहा, भोले बादशाह हो, हमें तो अपने यार का कुआं साफ करवाना था, सो करा लिया। बड़ी मासूम सी शरारत थी, मगर पुलिस ने उसे वो मारा कि मार मार कर अधमुआ कर दिया। और एक दिन ये खबर आई कि फौजा सुल्तानी गवाह बन गया है, उसने वादा कर लिया है कि सब कुछ बक देगा। कहते हैं उस पर बड़ी लौन दान हुई। उसके दोस्त मलिक हफीज ने भी, जो हुकूमत से बहुत डरता था, उसको बहुत गालियां दी कि हरामजादा डर से गद्दार बन गया, मालूम नहीं अब किस किस को फंसाएगा। बात असल में यह थी कि वो मार खा खा के थक गया, जेल में उससे किसी को मिलने नहीं दिया जाता था। मुर्गन गिजाएं खाने को दी जाती थी मगर सोने नहीं दिया जाता था। कंबक को नींद बहुत प्यारी थी, इसीलिए तंग आकर उसने सच्चे दिल से वादा कर लिया कि बम बनाने की साजिश के जुमला हालात बता देगा। यूं तो वो जेल ही में था मगर उस पर कोई सख्ती न थी। कई दिन तो उसने आराम किया कि उसके बंद बन ढीले हो चुके थे, अच्छी खुराक मिली, बदन पर मालिशें हुई तो वो बयान लिखवाने के काबिल हो गया। सुबह लस्सी के दो गिलास पीकर वो अपनी दास्तान शुरू कर देता, थोड़ी देर के बाद नाश्ता आता, इससे फारिग होकर 15-20 मिनट आराम करता और कड़ी से कड़ी मिलाकर अपना बयान जारी रखता। अपना मोहम्मद हुसैन स्टेनोग्राफर, उससे पूछिए जिसने उसका बयान टाइप किया था। उसका कहना है कि फौजे हीरामदे ने पूरा एक महीना लिया और वो सारा जाल खोलकर रख दिया जो साजिशियों ने मुल्क के इस कोने से उस कोने तक बिछाया था या बिछाने का इरादा रखते थे। उसने सैकड़ों आदमियों के नाम लिए, ऐसी हजारों जगहों का पता बताया जहां साजिशी लोग छुपके मिलते थे और हुकूमत का तख्ता उलटने की तरकीबें सोचते थे। ये बयान मोहम्मद हुसैन स्टेनोग्राफर कहता है फुल स्केप के 250 सफों पर फैला हुआ था। जब यह खत्म हुआ था तो पुलिस ने उसे सामने रखकर प्लान बनाया, चुनांचे फौरन नई गिरफ्तारियां अमल में आई और एक बार फिर फौजे की मां बहन पुनी जाने लगी। अखबारों ने भी दबी जबान में फौजे के खिलाफ काफी जहर उगला, अक्सर हुकाम के खिलाफ थी इसलिए उसके गद्दारी की हर जगह मुजम्मत होती थी। वो जेल में था जहां उसकी खूब खातिर तवाजो हो रही थी। बड़ी तुर्रे वाली क्लिफ लगी पगड़ी सर पर बांधे, दो घोड़े बौसाकी की कमीज और 40,000 लट्ठे की घेरेदार सलवार पहने वो जेल में यूं टहलता था जैसे कोई अफसर मुआयना कर रहा है। जब सारी गिरफ्तारियां अमल में आ गई और पुलिस ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली तो साजिश का ये मारका अंग्रेज केस अदालत में पेश हुआ। लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस की हिफाजत में जब फौजा नमूदार हुआ तो गुस्से से भरे हुए नारे बुलंद हुए, फौजा हरामदा मुर्दाबाद, फौजा गद्दार मुर्दाबाद।
हुजूम बहुत मुश्तइल था, खतरा था कि फौजे पर न टूट पड़े, इसलिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा जिससे 22 कई आदमी जख्मी हो गए। अदालत में मुकदमा पेश हुआ। फौजे से जब यह पूछा गया कि वो बयान के मुतालिक क्या कहना चाहता है जो उसने पुलिस को दिया था, तो उसने लाइलमी का इजहार किया। जनाब, मैंने कोई बयान व्यान नहीं दिया, उन लोगों ने एक पलंदासा तैयार किया था जिस पर मेरे दस्तखत करवा लिए थे। ये सुनकर इंस्पेक्टर पुलिस की बाकौल फौजे के भनभीरी भूल गई, और जब यह खबर अखबारों में छपी तो सब चकरा गए कि फौजे हीरामदे ने यह क्या नया चक्कर चलाया है। चक्कर नया ही था, क्योंकि अदालत में उसने एक नया बयान लिखवाना शुरू कर दिया जो पहले बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये करीब करीब 15 दिन जारी रहा। जब खत्म हुआ तो फुल स्कैप के 178 सफ़े काले हो चुके थे। फौजे का कहना है कि इस बयान से जो हालत पुलिस वालों की हुई नाकाबिले बयान है। उन्होंने जो इमारत खड़ी की थी कमबख्त ने उसकी एक एक ईंट उखाड़ कर रख दी थी। सारा केस चौपट हो गया। नतीजा ये निकला कि इस साजिश में जितने गिरफ्तार हुए थे उनमें से अक्सर बरी हो गए। 2-3 को 3-3 बरस और 4-5 को 6-6 महीने की सजाए कैद हुई। जो सुन रहे थे उनमें से एक ने पूछा, और फौजे का? मर फिरोज ने कहा, फौजे को क्या होना था, वो तो वादा माफ यानी सुल्तानी गवाह था। सबने फौजे की हैरत अंगेज जहनात को सराहा कि उसने पुलिस को किस सफाई में गच्चा दिया। एक ने, जिसके दिलो दिमाग को उसकी शख्सियत ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया था, महर फिरोज से पूछा, आजकल कहां होता है? यहीं लाहौर में, आड़त की दुकान है। इतने में बेरा बिल लेकर आया और प्लेट भर फिरोज के सामने रख दी, क्योंकि चाय वगैरह का ऑर्डर उसी ने दिया था। फौजे की शख्सियत से मुतासिर शुदा साहब ने बिल देखा और उनका आगे बढ़ने वाला हाथ रुक गया, क्योंकि रकम ज्यादा थी। चुनांचे ऐसे ही महर फिरोज से मुखातब हुए, आपके इस फौजे हीरामदे से कभी मिलना चाहिए। महर फिरोज उठा, आप उससे मिल चुके हैं, ये खाक सर ही फौजा हरामदा है, बिल आप अदा कर दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया।